जी फ्रेंड, वी आर राइट बैक आफ्टर अ ब्रेक एंड नाउ वी विल गो टू आवर सेगमेंट्स द अदर साइड। जी सर, तो शेख साहब, जैसे आपको मैंने अभी डिस्कस भी किया कि अदर साइड पे यू नो आवर कॉन्सेप्ट फॉर द ऑडियंस इज दैट एवरीबॉडी वट एवर ही मे बी फ्रॉम कॉमन टू लेजेंड, जो हमारा टैगलाइन है इस प्रोग्राम का, और उसमें हम आप लोगों को दिखाते भी हैं एक कॉमन सिचुएशन से इंसान जब प्रोग्रेस करके लेके जाता है, जैसे कि मार्शल आर्ट शेख साहब हमारे पास हैं। बट आफ्टर ऑल सर, एवरीबॉडी इज़ अ ह्यूमन बींग, ट्रू, एवरीबॉडी हैज़ हिज ओन स्टोरी, हिज ओन फियर्स, हिज ओन हैप्पीनेस। तो सर, आई वुड लाइक टू आस्क दैट द होल जर्नी, व्हाट डू यू रेकन कि आपकी सबसे बड़ी हैप्पीनेस क्या थी इस पूरी जर्नी में? एक तो खैर मैं आपको इंटरेस्टिंग बात ये बताऊं कि मैं जिंदगी में पहली दफ़ा अकाउंटेंसी से इंट्रोड्यूस कैसे हुआ। सो मैंने जब मैट्रिक का इम्तिहान दिया तो मैं एक्चुअली, मेरे वालिद साहब आज़ाद कश्मीर में सिविल सर्वेंट थे, सही, तो मैं मुजफ्फरबाद उनका जो कैपिटल है वहाँ पे पढ़ता था। तो मैट्रिक एग्ज़ाम हो गए तो मेरे वालिद साहब मुझे कहते थे कि तुम घर में वक्त ज़ाया करते हो तो तुम मेरे साथ दफ्तर आ जाओ। एक सरकारी अफसर की छोटी सी लाइब्रेरी थी, राइट, तो लाइब्रेरी में कोई तुम्हें किताब शिताब नज़र आए तो तुम पढ़ लिया करो। तो मुझे आज तक याद है कि मैं लाइब्रेरी गया और वो किताबें अक्सर ज़रा मेरे लिए बोरिंग टाइप की थी, ओके, क्योंकि सरकारी अफसर की थी। लेकिन मुझे एक दिन एक पॉल सैमुएलसन की इकोनॉमिक्स के ऊपर बुक मिली, हालांकि मैंने इकोनॉमिक्स अभी पढ़ी नहीं हुई थी, लेकिन मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट हुआ तो मैंने बुक निकाल ली। बुक निकाल ली तो उसके प्री फेस में ना पहले सफ़े पे एक कोटेशन लिखी हुई थी जो मुझे आज तक नहीं भूली। उसमें लिखा था, एंड आई लर्न इट बाय हार्ट, उसने लिखा हुआ था, द एज ऑफ शिविलरी इज़ गॉन एंड दैट ऑफ लॉयर्स एंड अकाउंटेंट्स हैव सक्सीडेड। वाह, वेरी नाइस। अच्छा, मुझे कुछ समझ नहीं आई, मैंने उसको क्रैम कर लिया, लेकिन मुझे उसको समझ नहीं आई कि ये क्या बात ऑथर कर रहा है, ये कोटेशन क्या है। वो बाद में खैर बड़ी वाजिया हो गई, बट दैट वॉज द फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू अकाउंटेंसी। अकाउंटेंट भी कुछ चीज़ होती है। सही, सही। तो फिर ये है कि मैंने मैट्रिक में मेरे अच्छे नंबर आ गए और आज़ाद कश्मीर में वैसे ही वो उसके अंदर बैकवर्ड एरिया की सीट्स भी होती हैं, और मेरे साथ जितने भी दोस्त थे उस ज़माने में सिर्फ लोग या डॉक्टर बनना चाहते थे, बिल्कुल ऐसे ही, या इंजीनियर बनना चाहते थे, और इसके अलावा कोई तीसरा प्रोफेशन था नहीं। सही। और वहाँ से उस प्रोफेशन में आना था भी बहुत आसान काम, क्योंकि सारे पाकिस्तान में रिजर्व सीट्स होती थी। सही। तो बट वेरी सरप्राइजिंगली मेरी माँ ने एक दिन मुझे कहा कि यू, आई वॉन्ट यू टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। अच्छा, मैंने कभी नाम भी नहीं सुना हुआ था, तो मैंने माँ से ज़्यादा बात नहीं की। मैंने अपने वालिद से पूछा कि ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्या हो। सही। तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, हालांकि वो अमेरिका से पढ़े हुए थे। अच्छा। तो मैंने कहते तुम क्यों पूछ रहे हो, मैंने कहा जी वो अम्मी ने कहा है कि तुमने ये करना है। सही। तो कहते हैं अम्मी ने कहा है तो फिर कर लो। बिल्कुल ठीक। मैंने कहा जी अच्छा। तो मैंने जब वो कॉलेज में दाखला लेना था तो मैंने, मुझे अब आई डोंट नो मुझे किसने गाइड किया, बट यहाँ मैंने ली वहाँ पे मैथ स्टैट इकोनॉमिक्स। सही। सो आई स्टिल रिमेंबर मेरे प्रिंसिपल ने कहा कि भैया तुम क्या ले रहे हो, तुम्हारे इतने अच्छे सब्जेक्ट, तुम मेडिकल लो। तो मैंने कहा नहीं सर, मैंने ये लेने हैं। तो उसने कहा क्यों लेने हैं, मैंने कहा मैंने सीए करना है। उसने कहा सीए क्या होता है, मैंने कहा जी मुझे भी सही नहीं पता, लेकिन मेरी माँ कहती है तुमने सीए करना है। right. मैंने हिले कॉलेज से यहाँ किया और देन द जर्नी स्टार्टेड। वो मैं समसूद में मेरे आर्टिकल्स हुए। सो वो दो तीन बातें एक्चुअली बड़ी इंपॉर्टेंट है। सही। मैं समझता हूँ कि मैं एक आम एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन जब मैं सीए में आया, मैंने सीए में आया तो मेरे में एक आदत डेवलप हो गई जो कि बड़ी अजीब सी थी। एक तो ये आदत डेवलप हुई कि मैं डेली आके पढ़ता था, मेरी रूटीन थी। मैं वैगन में दफ्तर आता था। अब आपको पता है वैगन, लाहौर की गर्मी, अच्छा मैं यूज़ टू भी नहीं था, लेकिन वैगन में आता था। लेकिन जैसे ही मैं घर पहुँचता था शाम 6:30 बजे, सो आई विल गो टू माई रूम, आई विल चेंज माई क्लोथ एंड आई विल टेक आउट सम सब्जेक्ट okay and read it for 1 hour or number one, right, number two, मैं ऑर्गेनाइज बड़ा था तो मैंने पूरी प्लानिंग की होती थी, 1.5 साल का शेड्यूल बनाया होता था। सही। कि 1.5 साल का शेड्यूल होता था और शेड्यूल में ये होता था कि जब एग्जाम्स आते हैं तब तक मेरी तमाम टॉपिक्स की फर्स्ट नहीं रिवीजन भी हो चुकी होनी चाहिए। ओके। और मैं ऐसे नहीं पढ़ता था, मतलब मेरा ऐसे पढ़ने का स्टाइल था कि शुक्ला की किताब जमाने में हमारे पास थी, तो मैंने शुक्ला की सारी टेक्स्ट पढ़ना है, सारी एक्सरसाइज करनी है, और जिन क्वेश्चंस को मैं नहीं कर सका फर्स्ट अटेम्प्ट में मार्क कर दिया करता था। सही। तो सेकंड अटेम्प्ट में जब मेरी सेकंड रिवीजन हो रही होती थी मैं उन्हीं को अटेम्प्ट करता था जो मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुए होते। बिल्कुल सही। और जब एग्जाम्स होते थे
तो मैं उस वक्त फिर पुराने 5 सालों का पेपर करता था और पढ़ाई चढ़ाई नहीं करता था। अच्छा, इस आदत ने क्या किया कि मेरी बड़ी मदद की और मैं फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने सारा सीए कर लिया। और फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें, पहले मैं एस एम मसूद में ही पार्टनर हो गया वहाँ पे, देन आई सर्व्ड फॉर गुड लाइक 16 ईयर। और एस एम मसूद साहब एक लेजेंड थे, आई लर्न अ डेफिनेटली लॉट फ्रॉम हिम। डेफिनेटली, वेरी गुड। एंड देन 2006 वी फॉर्म दिस हसन नईमन कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट। सही। तो सर आपकी जर्नी को जो मैं समझा हूँ, तो अगर मैं समराइज करूँ तो प्लानिंग एंड कंसिस्टेंसी इज प्रॉबली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर सक्सेस। आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हार्ड वर्क, प्लानिंग। बट एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि बच्चे नहीं समझते, वो होता है इंस्पायर होना। एग्जैक्टली। अगर आप मुझसे पूछें, चीज़ें तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं। अलामा इकबाल का एक शेर था जिससे मुझे इतना इंस्पायर किया कि मैं समझता हूँ मेरी सक्सेस में बहुत बड़ा राज, ऑफकोर्स माँ बाप की दुआएं, आपका हार्ड वर्क, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट अलामा इकबाल का एक शेर मैंने एक दफ़ा पढ़ा और मुझे वो दिमाग में चिप्सा हो जाती है चीज़। सही। वो क्या था, यकी मौकम अमल पै हम मोहब्बत फातहे आलम, यू शुड हैव फेथ एंड यू शुड स्ट्राइव हार्ड। यकी मौकम अमल पै हम स्ट्राइव रेगुलरली एंड हार्ड, मोहब्बत फातहे आलम एंड यू शुड कॉन्कर द वर्ल्ड विद लव, जहादे जिंदगानी में ये है मर्दों की शमशीरें। सो आई गॉट इट, आई सेड ओह। सो अलामा इकबाल बड़ा गुरु है मेरा, रूहानी पीर भी है। सो सही। आपको अच्छा, वैसे पोइट्री आपको पढ़नी भी चाहिए, आज के बच्चे नहीं पढ़ते पोइट्री, बड़ी मेरे बच्चे भी नहीं पढ़ते, लेकिन वो बड़ी इंस्पिरेशन देती है आप सही। तो अगर आप कैच कर सकें तो। लैक ऑफ सो इंस्पिरेशन इज ऑल्सो इश्यू ऑफ नाउ डेज। इंस्पिरेशन बहुत ज़रूरी है, आपको इंस्पिरेशन लेनी पड़ेगी, लेनी चाहिए, बिकॉज वो बहुत सारी, देखें ना, वो एक छोटा सा शेर है बट वो सारी बात को कूजे में बंद कर देता है बेसिकली। सही पूरे एक लेक्चर को जो मुझे सही उस्ताद दे, वो ये शायर की बड़ी कमाल होता है। सही। तो डेफिनेटली इंस्पिरेशन की भी जरूरत नो है। डाउट अबाउट इट। अरे सर, एक क्वेश्चन मैं आपसे ज़रूर करना चाहूँगा, बिकॉज यू हैव यू नो बीन ऑन वेरियस फॉरम्स एंड यू हैव सीन लॉट्स ऑफ लोज एंड हाईज, नॉट ओनली ऑफ द प्रोफेशन बट द थिंग्स इन इट सेल्फ एज वेल। और आई फैक्ट के अंदर भी अब आप चीज़ें देख रहे हैं और जिस तरह चीज़ें ट्रांसपायर हो रही हैं, एक जो बड़ा फैक्टर आता है, जिस तरह कंप्लाइंस इंक्रीज हो गई हैं, चीज़ें इंक्रीज हो गई हैं, कुछ लोगों को हमने ये भी देखा कि रिसेंटली अनफॉर्चुनेटली हमारे जैसे कुछ प्रोफेशन के लोग भी दे पास अवे बिकॉज ऑफ सम सॉर्ट ऑफ यू नो डिप्रेशन एज वेल, एंड देर इज़ अ सिनेरियो ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट एज वेल। तो उसके लिए आप क्या लोगों को कहना चाहेंगे? और इनफैक्ट अगर मैं ये सवाल करूँ कि ऑब्वियसली एवरीबडी हैज़ डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ स्ट्रेस इन इज लाइफ, तो आप क्या समझते हैं वॉट इज़ द बेस्ट वे टू गेट आउट ऑफ इट? ये भी एक बड़ा पर्सनल सा सवाल है। तो मेरे ख्याल में मुझसे अगर आप ज़ाती पूछेंगे तो अगर किसी एक पे ट्रस्ट कर लें तो सारे मसाइल ख़त्म हो जाते हैं। बिल्कुल सही, तो मेरे बिल्कुल सही, ख्याल में अगर आप अल्लाह की पाक ज़ात पे ट्रस्ट करें सही, तो आप को क्लैरिटी हो जाएगी। बिल्कुल सही, और आप एक चीज़ बड़े गौर से अगर आप फोकस करें ना, तो आप ये समझें कि आप सब टूरिस्ट हैं, सही, जो कि जैसे हम टूरिज्म पे जाते हैं ना, 10 दिन का टूर होता है, 15 दिन का टूर होता है, आप टूरिस्ट हैं, आपको दुनिया में अल्लाह ने भेजा हुआ है। बिल्कुल सही, सो ना प्लानिंग मेरी मर्जी से आई है, बिल्कुल ना सही, ही प्लानिंग ने मेरी मर्जी से ख़त्म होना है, नंबर वन। नंबर टू, थोड़ा सा गौर व फिक्र आप और करें तो आपको कुछ चीज़ें, एक्चुअली कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ज़ाहरी आंख दिखती है, बिल्कुल जैसे सही, मेरी ज़ाहरी आंख देख रही है, तो वो मैं देखता हूँ, वो जब मैं ज़ाहरी आंख से देखूंगा चीज़ों को तो मुझे पर्सपेक्टिव कुछ और नज़र आएगा। बिल्कुल सही, लेकिन अगर मैं ज़रा गौर व फिक्र करूँ तो चीज़ों का पर्सपेक्टिव बदल जाएगा। अब ये थोड़ी सी फलसफा आ जाता है, सही, लेकिन आप ज़रा गौर करें कि अल्टीमेट एम लाइफ का क्या है, अल्टीमेट एम लाइफ का क्या है? बिल्कुल सही बात, क्या वो दुनियावी चीज़ों को इकट्ठा करना है। तो अगर आप मुझसे ये पूछें कि मुझे खुशी उस वक़्त ज़्यादा थी जब मेरे पास एक एफएक्स थी, या आज ज़्यादा है जब मैं इतनी एक्सपेंसिव गाड़ी ड्राइव करता हूँ, तो मैं आपसे कहूंगा उस वक्त ज्यादा थी। बिल्कुल सही सो अल्टीमेट एम आपका होता है खुशी हासिल करना, सही, और अल्लाह के पास जो मेजरमेंट है ना, वो ये खुशी की है, या जिसको आप सेटिस्फेक्शन कह सकते हैं बिल्कुल सही, या इत्मीनान कह सकते हैं। अब ये अल्लाह की ज़ात जानती है कि वो इत्मीनान मेरे मुलाजम के पास ज्यादा है या मेरे पास ज्यादा है। जारी नगर बिल्कुल से तो सही, लोग मुझे देखेंगे बिल्कुल बट सही, वो अंदर, तो एक्चुअली आपको क्लैरिटी होनी चाहिए चीजों के ऊपर। बिल्कुल सही, डेली मुझे इतनी चीजें मुफ्त मिलती हैं, सूरज देखें इतना खूबसूरत है, बिल्कुल हम तो सही, एसी चला के ठंडक करते हैं, वैसे सूरज गर्मी भी बड़ा मज़ेदार है,
बिल्कुल सही, अगर आप उसको एंजॉय करना चाहें तो। बिल्कुल सही, ठंडी हवा है, बारिश है, पानी है, फल है, फूल है, मोहब्बतें हैं, चाहते हैं, लज्जतें हैं, आप शुमार नहीं कर सकते। बिल्कुल सही, और हर किसी को अवेलेबल है। बिल्कुल सही, ये जो मैंने चीज़ें गुनवाई हैं हर किसी को अवेलेबल है। हाँ, वो कुछ चीज़ें इंसान की बनी हुई हैं, मैन मेड, जो कुछ को अवेलेबल है कुछ को अवेलेबल नहीं है। अल्टीमेटली सर आपका तो इशारा उसी तरफ है ना कि फबी आला रबी को मातु कर दे। एब्सोल्युटली, एंड आई वुड से कि आपने ये चीज़ भी इशारा किया है कि हम लोग जो हैं शायद लाइफ को मिसपरसीव कर चुके हैं। मिसपरसीव कर चुके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप बिल्कुल सही बात को सेकंड करें। सो इट वाज अ वेरी गुड अदर साइड, सो वी विल बी राइट बैक ही आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।